हेलो फ्रेंड्स, फटीक टू एक्टिव चैनल में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज की हमारी वेरी हेल्दी एंड स्पेशल डिश है वेजिटेबल ड्राई मंचूरियन, जो कि बहुत हेल्दी है। ना इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया गया है, ना रिफाइंड फ्लोर यूज़ किया गया है, ना मैदा है, ना कोई फैटी चीज़ें हैं इसमें, जबकि बहुत सारी सब्जियाँ, हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। और जो हमने आटा यूज़ कर रहे हैं वो भी इसमें, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ओट है और कॉर्नफ्लोर पाउडर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे कैबेज, रेड कैप्सिकम, कैरेट, येलो कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम, और थोड़ा सा हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें आटा 2 कटोरी अपना ओट ले रही हूँ और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसे आटों में मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के। अब हमें जितना रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सब्जियां भी थोड़ा पानी छोड़ती हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल के इसे ऐसे गूंद लेना है कि हमारे हाथ से बॉल बन जाए। सो अभी हमें फ्राई नहीं करना है, सो हम अपम पात्र यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो अपम फ्राई पैन को मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है और इसमें बॉल्स अपनी फिट कर देते हैं। ये देखिए, अभी इसे 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रख देती हूँ। ये पीछे से हो गया है, सो अब इसे हल्का सा ऑयल लगा के बैक साइड भी पलट देते हैं और 2 मिनट बैक साइड भी पकने के लिए हम लोग इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, ज़्यादा थोड़ा सा मैंने उसे किया है जिससे हल्की सी ब्लैक ब्लैक होने लगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना है, अंदर से सब्जियां भी अच्छी तरह पक जाएं। अब एक फ्राई पैन पे मैंने 1 स्पून ऑयल लिया है और इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक पीसेस 1 स्पून डालेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिली। अभी हम इसमें अपना अनियंस डाल रहे हैं जो बड़ा बड़ा काट के रखा है, और साथ में हम लोग हमारे तीनों कलर के कैप्सिकम्स, ग्रीन, येल्लो एंड रेड, बड़े कटे हुए इसमें यूज़ करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, शैलो फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हमारे स्प्रिंग अनियंस के, मैं लीव्स यूज कर रही हूँ जो इसे और कलरफुल बना देगा। इसे अभी थोड़ा सा और इसे मिक्स कर देते हैं। और अब मुझे इसमें यूज करनी है सॉसेस। सो सबसे पहले हम लोगों को मंचूरियन बनाने के लिए सोया सॉस रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने इसमें लिया है 1/2 कटोरी या 4 चम्मच सोया सॉस, 1 स्पून शेजवान सॉस एंड 1/3 मैं इसमें सॉस यूज़ करूँगी ग्रीन चिली सॉस और 1 टोमेटो केचप। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। और हल्की सी लाल मिर्च, आप ये टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे अच्छी तरीके से आप सब सॉसेस को सब्जियों में मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। हमें सिर्फ उतना पानी डालना है जितना सब्जियाँ थोड़ी सी इसमें डूब जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं, और इसे 2 मिनट ढकने के लिए रख देते हैं जिससे कि ये अच्छी तरीके से हमारी सब्जी हो जाए। ये देखिए, कलर आ गया है और सब्जियां भी अच्छी तरह से गल गई हैं। तो लास्ट में मैं इसमें विनेगर यूज़ कर रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून इसमें डाला है मैंने। ये ऑप्शनल है, यदि आपको टेस्ट नहीं है विनेगर तो मत डालिए, लेकिन आप प्रिफर कीजिए कि एप्पल साइडर यूज़ कीजिए और जिसमें विद मदर हो। अब मैंने इसमें बॉल्स डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। सब सॉसेस बॉल्स में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ऐसे लगाइए और इसे 2 मिनट ढक देते हैं जिससे कि बॉल्स के अंदर भी सॉस आ जाए। ये हमारा हो गया है। अब मैंने अपना जो बाकी बचा हुआ मेरा स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर लीव्स से इसे हमने गार्निश कर दिया है और ये हमारा बन के रेडी हो गया है, जो बहुत टेस्टी है एंड बहुत हेल्दी भी है। So thanks for watching and please like and subscribe to my channel and try this recipe.